हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का वेस्ट वीडियो में और आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिसमें आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिला है लॉक स्क्रीन में आपको जो ऑप्शन मिला था होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन इसकी फुल सेटिंग के बारे में आपको बताने वाली हूँ और ये सभी के बारे में हम जानेंगे वन बाई वन सो फ्रेंड्स आगे मैंने से पहले एक बार और खुश वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना घंटी का ऑप्शन पर क्लिक करना ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है और आपके सामने स्टेप इंटरफेस रहेगा जिसमें आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करना है इसे ओपन कर लेना है आपके सामने इस तरह के आएगा और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन जिसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ आप चाहे तो देख सकते हैं इसके जस्ट पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो आप देख सकते हैं तो फिर भी आपको एक बता देती हूँ यहाँ पर जैसे कि आपको स्टैंडर्ड मोड ड्रवर मोड सिंपल मोड का ऑप्शन मिलेगा ये होम स्क्रीन मोड है जैसे कि मैं आपको बता दूँ ड्रवर मोड पर क्लिक करेंगे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्रवर मोड का ऑप्शन मिल जाएगा इस पर क्लिक करेंगे स्विच पर क्लिक करना है और ये अप्लाई हो जाएगा तो ये है ड्रवर मोड इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन मिल जाता है इस पर क्लिक यहाँ पर फिर से इसी पर क्लिक करना है और यहाँ पर अगर मैं आपको दूसरा सेटिंग बताऊँ तो आपको इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से स्वाइप करना है मोड सेटिंग पे क्लिक करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर होम स्क्रीन मोड पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर फुल यहाँ पर आइकन फुल डाउन गेचर्स का ऑप्शन मिला है इस पर क्लिक करना है देखिए और कैसे यूज़ करना है इसमें बताया गया है आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं देखिए स्क्रीन को इस तरीके से यूज कर लेना है जिसमें आपको बताया जा रहा है तो ये किसी भी ऐप्स को इस तरीके से ओपन कर सकते हैं आप जिसकी ऑफ होगा आपको ये ऑन करना है यहाँ पर आइकन ये फुल साइज गेस्टर्स से देखिए जैसे कि इस पर क्लिक कर होम वो बटन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर किसी भी ऐप को ले लेते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से स्वाइप करेंगे तो ये ड्रवर तो ये जो है ज़्यादातर सिंपल मोड पर अप्लाई होता है दिखाती हूँ आपको सिंपल मोड अप्लाई करके इस पर क्लिक करना है और फिर से हम सिंपल मोड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें गेस्टर यूज़ करना है इस पर क्लिक करना है ये देखिए फिर से मैंने वही अप्लाई कर दिया है अब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अगर इस तरीके से आप स्वाइप करेंगे ये देखिए वही सेटिंग ओपन हो जाता है यहाँ पर इस तरीके से आपको स्वाइप कर लेना है तो ये इस तक इसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से आप कुछ ऐप ऐप्स को ओपन करना है तो ये ओपन हो जाएगा ये देखिए से ओपन कर लेते हैं जैसे कि ये सेटिंग ओपन हो चुका है तो ये था आपका नेक्स्ट और दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर फिर से आपको लॉन्ग प्रेस करना है इसकी सेटिंग पे पहुँचने के लिए आपको इस यहाँ से स्वाइप करना है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर आइकन ऑटो फाइल का ऑप्शन मिल जाता है ये ऑफ का इस तरीके आपको ऑन करना है तो ये आपको ऑन करके रखना है और यहाँ पर होम्स की लेआउट को, ले को चेंज करना है अगर आपको तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप होम स्क्रीन लेआउट को चेंज कर सकते हैं जिसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है मैं आपको बताती हूँ उसको क्लिक करके देखिए तो एक रो में आपको चार एप्लीकेशन देखने को जाएगा लिक लिक अगर इस पर क्लिक करेंगे आप तो एक रो में आपको यहाँ पर कम से कम ये देखिए चार से पाँच यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको माइनस पिक लिखा है तो माइनस पे क्लिक कर देंगे तो माइनस होगा प्लस पे क्लिक करेंगे तो, तो ये देखिए प्लस हो चुका है तो एक रूम में चार आपको दिख रहा है और तीन नीचे देखने को मिल रहा है अगर बात करूँ इसकी तो यहाँ पर माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक रूम में आपको देखने को मिल रहा है और बड़ा साइज मिल रहा है और प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको देखने को मिल है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन मिल जाता है वो है यहाँ पर होम स्क्रीन लॉक्ड अगर आप चाहते हैं कि आपको होम स्क्रीन लॉक करना है तो उस पर क्लिक कर देंगे ऑन करेंगे तो होम स्क्रीन लॉक हो जाएगा तो मैं इसको ऑफ करके रखती कर हूँ क्योंकि मुझे लॉक नहीं करना और यहाँ पर आपको मिल जाता है स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आपको एक तो दो ऑप्शन है यहाँ पर सर्च एंड नोटिफिकेशन ड्रावर तो यहाँ पर दो ऑप्शन दोनों तो का इस्तेमाल यहाँ पर मैं कर करूँ नोटिफिकेशन ड्रावर पर इस तो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर नोटिफिकेशन ड्राइवर आपको देखने को मिल जाएगा जिसकी होम बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्रावर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो ड्रावर में आ जाएगा तो यहाँ पर आपको मैं वापस वैसे ही कर देती हूँ सर्च क्योंकि हमें ये यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ये ना इस पर क्लिक करना है मैं सर्च पे क्लिक कर देती हूँ इस पर क्लिक करेंगे सर्च करेंगे इसलिए तो ये हो चुका है और नेक्स्ट जो तो आपको ऑप्शन मिला था यहाँ पर ऐप एनिमेशन स्पीड तो यहाँ पर एनिमेशन स्पीड को बढ़ा सकते हैं जो आपको फास्ट मीडियम लो का ऑप्शन मिल जाता है तो इस परेस चेंज कर सकते हैं इस तरीके से जिसकी मीडियम हो गया तो मैं फास्ट कर देती हूँ उस पर क्लिक करना है तो चेंज कर सकती है इसी तरीके से आप और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है द, रेस्ट टू वर्क जैसे कि ऑफ होगा आपको ऑन कर लेना है और यहाँ पर डबल टैप टू तो टर्न ऑन स्क्रीन का ऑप्शन मिला ये ये ऑफ होगा तो आपको ऑन कर लेना है और कैसे इंदौर को यूज़ करते हैं यहाँ पर जैसे कि पहला आपको बताती हूँ ये वाला रेस्ट टू वर्क इस पर क्लिक करना है अब देखिए अब ऐसे ही है जैसे ओपन इस तरीके से रखेंगे आप तो ये स्क्रीन जो ओपन हो जाएगा देखिए ऐसे रखेंगे आप ऐसे लुक होगा इसको जैसे ओपन करेगी तो ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा ये देखिए इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं देखिए तो इस तरीके से आप इसे यूज करते हैं डेस्ट टू वर्क इसको कहते हैं और नेक्स्ट जो है था डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन यहाँ पर लॉक करना है इस तरीके से आपको लॉक करना है देखिए लॉक हो जाएगा फिर डबल टैप करना है ये ऑन हो जाएगा दोबारा आपको दिखाती हूँ सिर्फ आपको डबल टैप करना है और ये देखिए ओपन हो जाएगा तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपकी जल्दी से ये वर्क कर जाता है तो ये था डबल टैक् टू टर्न ऑन स्क्रीन और नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है पर लॉक स्क्रीन मैगजीन इसकी बात करूँ तो इस पर क्लिक करना है और ये ऑफ होगा तो आपको ऑन कर लेना है इसमें आपको तरह तरह के लॉक स्क्रीन वर्ल्वर देखने को मिल जाएगा ये ऑफ होगा आपको ऑन कर लेना है जिसकी वीडियो मैं अलग से बना चुकी हूँ सिर्फ लॉक स्क्रीन मैगजीन के ऊपर आप इसकी वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं इससे पहले ही मैंने उस वीडियो को बनाया है सो फ्रेंड्स तो यहाँ पर इसको ऑन करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करेंगे इस दोनों को इनेबल करने के बाद भी अगर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक लॉक स्क्रीन वॉल पेपर नहीं चेंज होता है तो वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा वेरीफाई कर सकते हैं जिसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है वेरीफाई का तो मैंने नेवर वेरीफाई किया हुआ है तो आप बस क्लिक करना है वो चेंज हो जाएगा आपका नेक्स्ट करते हैं आपको तो दिखाती हूँ लॉक स्क्रीन वॉलपेपर अब लॉक करना है और ये चल चेक कर लेना है ये देखिए तो इसमें आपको तरह तो हाँ तरह की लॉक स्क्रीन मैगजीन्स देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो ये है लॉक स्क्रीन वॉल पेपर ये इनेबल हो चुका है जिसमें आपको जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपको काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिल जाता है नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन मिल जाता है वह पास पर डालते हैं इसको ओपन करेंगे आप और यहाँ पर हम इसको करते हैं बैक और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिल जाता है और नेक्स्ट आपको यहाँ पर थीम वॉलपेपर से आपको मिल जाता है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी वीडियो मैं अलग से बना चुकी हूँ तो सेम इसी तरीके से आप इस सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक यहाँ पर चलिए मैं आपको वाल पेपर ही देती हूँ चेंज करके इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको वाल पेपर्स का ऑप्शन मिला तो यहाँ पर किसी वाल पेपर्स को चेंज कर सकते हैं यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको लाइव वाल पेपर दिखा दूँ तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ से मैं आपको चेंज करके बताऊँ तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिल जाता है ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे आप इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दो ऑप्शन आता है होम स्क्रीन अगर आपको होम स्क्रीन पे सेट करना है तो होम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे अगर आप चाहते हैं एक ही वॉलपेपर दोनों पर सेटअप हो जाए तो उस पर क्लिक करना आपको और, इस और इस ये सेटअप हो जाएगा ये देखिए तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उतरता तो के बस आपको इस पर टच करते जाना यहाँ पर आपको रंग बिरंगी इस तरीके के मैगजींस यहाँ पर जो है वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा तो ये था और नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है लॉक करना है और यहाँ पर होम होम बटन पर क्लिक करना है चलिए मल्टीपल टास्किंग कर लेते हैं तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं है तो लॉन्ग प्रेस करेंगे और से स्वाइप करना है आपको ये देखिए इस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट आपको ऑप्शन जाता है यहाँ पर थीम चेंज कर सकते हैं आप थीम की बात करूँ तो यहाँ पर आप अगर आपको फ्री थीम चाहिए तो यहाँ पर आपको थीम का तो वही ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा मिलता है नहीं है यहाँ पर ओपन स्टोर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शायद ही आपको यहाँ पर वॉलपेपर बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाए इस मोबाइल में तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फ्री है कुछ कुछ आपको फ्री मिल जाएगा यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये भी फ्री है इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर डाउनलोड करके इसे इस अप्लाई कर सकते हैं ये भी आपको देखने को मिल जाता है मैं इसका सेपरेट एक वीडियो बना दूंगी अलग से तो आप डाउनलोड करके इसका चेंज कर सकते हैं अपलाई जैसे आप डाउनलोड करेंगे फिर अप्लाई का ऑप्शन होगा अप्लाई करेंगे तो उस पर वो चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं आप आइकन स्टाइल की बात करूँ तो यहाँ पर आइकन स्टाइल मिल जाता है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इन सब का मैं ऑलरेडी एक एक करके मैं वीडियो बना चुकी हूँ फुल सेटिंग्स के ऊपर तो आप चेंज कर सकते हैं मैं वापस वैसे कर देती हूँ और यहाँ पर आपको बस क्लिक करना है होम बटन पर क्लिक कर देना ये चेंज हो जाएगा आपका तो इससे किसी आप इन सभी सेटिंग्स का यूज़ करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब ठीक है घंटी का ऑप्शन पे क्लिक करना ताकि भाई नेक्स्ट वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सब को मिलता रहे सो so, फ्रेंड्स विद इन नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार